हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अगर ये बता दूं कि ये 100% आने वाला क्वेश्चन है जो आपको 45 मार्क्स देकर जाएगा। अब आप लोग सोचोगे 45 मार्क्स कैसे होगा, तो ये आपके मैथड पेपर में तो रहेगा ही एंड साथ साथ आप लोगों के जो है एक्स्ट्रा जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड है, थर्ड है, उसमें भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोग का 15 15 15 मार्क्स अगर मैं बोलूँ तो वो 45 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप लोग जो है ये 45 मार्क्स को अगर आप लेना चाहते हो तो इसको जरूर करके जाइए। आपको 100% लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा ही आएगा। अब मैं इसमें बता दूं कि हर सब्जेक्ट का जो है लेसन प्लान ऑफ कोर्स आप टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, लेकिन फॉर्मेट जो होता है एक ही फॉर्मेट याद कीजिएगा और एक ही फॉर्मेट से जो है लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कीजिएगा। मैं आज आपको फॉर्मेट बताऊंगी किस फॉर्मेट से बनाना है, एक दो एग्जाम्पल भी मैं दिखाऊंगी एंड आज हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे कि इंग्लिश स्टूडेंट को जो है किस तरह से बनाना है। इंग्लिश स्टूडेंट का बहुत कंप्लेन रहता है कि मैम आप हमारे लिए कुछ नहीं करती हैं, तो हम इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी आज लेसन प्लान लाए और ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। मीन्स अगर 45 नहीं तो 30 मार्क्स तो एकदम 100% है, दोनों मेथड पेपर में आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइम पर मिले। अभी अगर आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आगरा बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, बिहार बीएड एंट्रेंस, इससे रिलेटेड कोई भी क्लास चाहिए तो आप, या फिर पेड नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो आप लोगों को मोबाइल नंबर दिया गया है उससे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अभी इससे हम स्टार्ट करें। आप लोगों को पता चल गया कि ये जो है क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है और इसको आप किसी भी तरह से जो है स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यह 100% आने वाला क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले आप लोगों को जो फॉर्मेट बनाना है तो स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्कूल का नाम। तो विद्यालय के नाम के आगे आप लोग जो है, जैसे हम लोग तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखेंगे ना, तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एग्जामिनेशन हॉल, अगर आप चाहें तो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्कूल का नाम है तो आप स्कूल का नाम लिख दीजिए। डेट डालना पड़ता है, डेट आपको डालना है अब उसके बाद। तो डेट जैसे कि आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो ये है 31st में, तो हम लोग जो है 31st में 2022 डाल दिए। ठीक है, सब्जेक्ट जो है मैंने ये सामाजिक अध्ययन के लिए लाया है, ये जो है आपका सोशल साइंस के लिए है। नीचे आपको मैथ्स का भी मिल जाएगा, साइंस का भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा आज को आपको मिलेगा। फॉर्मेट ध्यान पर देखिए और एक ही फॉर्मेट, इजी फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठाइएगा जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। मुझसे एक स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था कि मैम लेसन प्लान बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में आपको जो है 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स लगेंगे, लेकिन अगर आप लेसन प्लान का फॉर्मेट याद है तो आपको 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कालांश यानी कि कितने देर के लिए जो है, कौन सा पीरियड है आपका, तो कालांश मतलब कि फर्स्ट पीरियड में गए हो आप या सेकंड पीरियड में गए हो, तो चलो मैं तो सेकंड पीरियड ही मान लेती हूँ, सेकंड है ये। कक्षा कौन सा है, क्लास, तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 9th क्लास है। ठीक है, कौन सा क्लास है? 9th है। फिर उसके बाद है प्रकरण यानी कि टॉपिक, टॉपिक हमारा विकास है, डेवलपमेंट हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समय अवधि ये अब डालना होता है 30 मिनट्स, ये कंपलसरी चीज़ें हैं जो सभी सब्जेक्ट में होगी। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में दो उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। यहाँ पर हम लोग जो है हिंदी में ज़्यादातर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं इसको भी लिख कर लाई हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम कुछ अलग बता रही हैं। बट हम नीचे लेकर के मैं आपको चलूँगी जहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य करके। ठीक है, ये बच्चे ने एक अपना बनाया है उसका है। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य करके 2 से 3 पॉइंट लिखे गए, ये 5 पॉइंट लिखा है, 2 से 3 पॉइंट लिखे जिससे टाइम भी सेव हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिलहाल उद्देश्य में आप देखिए यहाँ पर
शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ऑफकोर्स हम उद्देश्य से क्या मानेंगे, यही कि हम जो पढ़ा रहे हैं, अपेक्षित का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड, हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उससे जो एक्सपेक्टेड है बच्चे में बिहेवियर में चेंजेस वो आएगा, तो ये हमने लिख दिया। ये कॉमन है, पता है ये आपको, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो है ये वो ये सेंटेंस ये आप सभी जगह लिख सकते हो। आप साइंस के लिए यूज़ कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान के लिए यूज़ कर सकते हो, मैथ्स के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी के लिए। इसीलिए मैंने इसको कॉमनली इसको रखा है कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, अपेक्षित दैट मीन्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, अगर इंग्लिश में बोले तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस। ऑफकोर्स हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे का बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से उद्देश्य में जो है ज्ञान क्या होगा, विद्यार्थी विकास का प्रत्याभिमान कर सकेंगे, विकास को समझ सकेंगे, ठीक है, प्रत्यास्मरण करेंगे, ज्ञान का उपयोग क्या करेंगे, तो विद्यार्थी विकास संबंधित गतिविधियों का दैनिक जीवन उपयोग करेंगे, कौशल स्किल क्या डेवलप होगा, विद्यार्थी विकास से संबंधित ऋषिया को चार्ट व चित्र के माध्यम से विकसित करने में कुशलता अर्जित करेंगे, विद्यार्थी विकास को तालिका से संकलित में कर सकते हैं। तो ये आपको जो है आपका हुआ शिक्षण उद्देश्य, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरह से ना लिख करके आप लोग सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। सामान्य उद्देश्य जो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा एंड विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड रहता है, वो लिखते हैं। शिक्षण विधि एवं प्रविधि, यानी कि जो हम शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं वो, तो कौन सी, इसमें मैक्सिमम जगह पे, सिर्फ इसी में नहीं, मैं कॉमनली ये आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिससे आप सभी सब्जेक्ट में यूज करो, सब जगह, कोई भी ऐसा जो है ना आपका ये नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें ये विधि यूज ना होती हो। व्याख्या विधि एंड प्रश्नोत्तर विधि, एक्सप्लेनेशन टीचर करता ही है एंड टीचर करने के बाद क्वेश्चन पूछता ही है, तो ये कंपलसरी आने वाला मेथड है, तो ये हम लिख देंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जैक्टली यही लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री, टीचिंग एड हम क्या यूज़ करें, तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। देखिए आप लोगों को मैंने टीचिंग एड्स बताया है कि आप लोग क्या लिख सकते हो, चॉक लिख सकते हो, डस्टर लिख सकते हो, अगर आप उसके लिए कोई चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हो तो वो लिख सकते हो, ये सभी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी सेंटेंसेस लाई हूँ जब आप लोग के दिमाग में कोई वर्ड ना आ रहा हो तो ये लिखिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट में यूज होगा, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, मतलब कि उस टॉपिक के लिए जो भी उपयोगी सामग्री है हमने यूज किया है। लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा आप डस्टर, चौक, चार्ट अगर लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, विद्यार्थी विकास के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो विकास हम पढ़ा रहे हैं, हमारा टॉपिक है विकास, है ना, टॉपिक हमारा क्या है, विकास है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा कि विकास के विषय में सामान्य जानकारी। अब मान लीजिए आप इसमें जो है साइंस पढ़ा रहे हो, विज्ञान पढ़ा रहे हो, विज्ञान में जो है आप जो है प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हो, तो आप यही लिखोगे विद्यार्थी को प्रकाश संश्लेषण के विषय में सामान्य जानकारी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारा मेन आता है प्रस्तावना प्रश्न, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोगों को अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे विकास पढ़ाया जाता है, ये क्या होता है मैं बता दूँ, प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मतलब मीन्स हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम डायरेक्टली बच्चों को नहीं बता सकते हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद बच्चे जो आंसर देते जाते हैं, तो फाइनली जो है टॉपिक उनके मुँह से ही, बच्चे के मुँह से ही निकलता है या फिर टीचर लास्ट में बता देता है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, तो बच्चे बोलेंगे समानता का भेदभाव मिटाना, ठीक है, असमानता का भेदभाव, जो भेदभाव होता है उसको मिटाना। समाज में भेदभाव मिटाने का क्या उपाय है, लोक कल्याणकारी कार्य, भेदभाव कैसे मिटा सकते हैं, तो ऐसे काम करने से जिससे सभी को इक्वालिटी का अनुभव हो। लोक कल्याणकारी कार्य किन के लिए चलाई जाती है, वंचित पिछड़े वर्गों के लिए, है ना, वंचित पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है, विकास के अवसर देना। विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, कुछ कुछ अपने जो है लैंग्वेज में देंगे। उद्देश्य कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रस्तावना कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद से हम ये लिखते हैं कि हमारे ये पढ़ाने का उद्देश्य कथन क्या है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, जो टॉपिक रहेगा उसको ऐड कर देंगे, विद्यार्थियों आज हम विकास के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आएगा प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, ठीक है,
इसका जो है मैं आप लोग के दो फॉर्मेट लाई हूँ। अब दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो ये यूज़ कीजिएगा। देखिए अभी हमने जो चीज़ें की यहाँ पे लिखा हुआ है ये बच्चे का बनाया हुआ है, दिनांक लिखना पड़ता है, बच्चा स्कूल का नाम नहीं लिखा है आप स्कूल का नाम जरूर लिखिएगा, कक्षा लिखना होगा, विषय लिखना होगा, वर्ग ठीक है, उपविषय इतिहास है, चक्र जो चक्र यानी कालांश यानी पीरियड, प्रकरण यानी कि टॉपिक, स्वाधीनता आंदोलन, अवधि 35 मिनट, ये कंपलसरी लिखना। अब इसके बाद उद्देश्य लिखा है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य ठीक है। अभी प्रस्तुतिकरण का मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक्स ये जो फॉर्मेट है सबसे बेटर रहता है, बहुत इजी वे में होता है। शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रियाकलाप, छात्र छात्रा क्रियाकलाप एंड श्यामपट कार्य ठीक है, एकदम इजी वे में रहता है। ये लिखिए यहाँ पे अध्यापक की जगह आप लिखिएगा छात्र अध्यापक, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट भी हैं एंड टीचर भी हैं, तो यहाँ अध्यापक नहीं रह करके क्या होगा छात्र अध्यापक। इसी फॉर्मेट पे जो है एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, जल्दी हो जाता है मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे बट ये फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग विकास को ही कर रहे थे, तो विकास का सबसे फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए हमने जनसंख्या को उठाया, क्योंकि जनसंख्या की वजह से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा चलता है, तो जनसंख्या को उठाया। शिक्षण बिंदु में हमने लिखा जनसंख्या और जनसंख्या के बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर स्टूडेंट ने इसके बारे में सुना होगा या नोटबुक में लिखा होगा। श्यामपट कार्य यानी कि हमने अपने बोर्ड पर भी ये सारी चीज़ें कर दी। फिर उसके बाद से जो है हमने विकास के बारे में, विकास का परिभाषा बताई, फिर विकास से क्या उपयोगिता है ये बताई, शिक्षण बिंदु से चलते जाएगा। और ये इजी होता है, ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट में बता रही हूँ 10 से 12 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। अब उसके बाद से जो है इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है मैक्सिमम कॉलेजेस में दिया जाता है, आई डोंट नो आप लोग को दिया गया नहीं, ये जब ये फॉर्मेट दे दिया जाता है तो बहुत इजी हो जाता है बनाना। तो ये केमिस्ट्री के लिए है, फिजिकल साइंस केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए डेट डाला गया है, पीरियड है, क्लास एंड सेक्शन है, सेशन नंबर 1 है ठीक है, फिजिकल साइंस है और यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा गया है। फिर उसी तरह से यूनिट केमिस्ट्री, टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मेजर कॉन्सेप्ट यानी कि आपका है उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ठीक है, माइनर ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया, ये आपका जो है जनरल यानी कि सामान्य उद्देश्य हो गया। प्रीवियस नॉलेज लिखा गया है, स्टूडेंट्स हैव जिस तरह से आप देख लीजिए, टीचिंग मेथड लिखा जाता है कौन कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है, टीचिंग एड्स लिखा जाता है, तो इसी तरह से ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चार्ट, चौक ये लिख देंगे हम ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए, हिंदी इंग्लिश ये दोनों में दिया गया है तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर जो है पाठ्य वस्तु यानी कि जो हम कंटेंट पढ़ाने वाले हैं वो हम लिखेंगे, उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण, जो भी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं उसका जो है उद्देश्य जो होने वाला है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ठीक है। शिक्षक क्रियाएं यानी कि जो टीचर के क्रियाएं हैं ये फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। फिर छात्र क्रियाएं आएगा, फिर तकनीकी साधन यानी कि जो मेथड है हम यूज़ कर रहे हैं वो आएगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता, ये लास्ट में इसमें इवेल्यूएशन करना होता है। तो ये फॉर्मेट इंग्लिश के लिए है, देख लीजिए। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप जैसे कि ये है जो ना तकनीकी एवं साधन, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का पिक्चर बना करके इसमें आप कुछ कुछ लिख सकते हो या ब्लैक बोर्ड आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका इंग्लिश का हुआ, यहाँ पर इंग्लिश का फॉर्मेट ठीक है, पूरी इंग्लिश का फॉर्मेट पूरा है। अभी आप लोगों को मैंने जो फॉर्मेट बताया है उसमें आप लोगों को देखिए, अभी लेसन प्लान बनाना है तो दिमाग में आपको कुछ बातें रखनी पड़ेंगी एकदम क्लियर में। अब ये नहीं कि भाई कैसे बनाएं, फॉर्मेट नहीं है, जब हम बैठ करके ये करते रहेंगे कि हमारे पास फॉर्मेट नहीं है नहीं है तो नहीं रहेगा। सबसे पहला चीज़ जो आपको करना, देखिए दिमाग में ऐसे बैठाइए, कैसे मैं बता रही हूँ, हम लोग भी ने भी ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन एक बार फॉर्मेट बन जाए तो आपको फुल मार्क्स दे कर जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स करती हूँ स्टूडेंट को ये बनाने के लिए। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हमारा जो है इंट्रो पार्ट होता है, याद रखिए इंट्रो पार्ट करके इसको आप याद रखेंगे तो आप लोगों को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको रखिए इंट्रो पार्ट, इंट्रो हम दे रहे हैं ठीक है, ये यहाँ तक याद रखिए, डेट और डालना है, सब्जेक्ट डालना है, टॉपिक डालना है, अवधि डालना है। अब यहाँ पर जो शिक्षण उद्देश्य है ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उद्देश्य बताना है तो ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैं आपको स्टेप में बता दे रही हूँ कि कितने स्टेप में आपको ये करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका इंट्रो जो हुआ ये जो है आपका स्टेप 1 हुआ
आज के बाद आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम होगी। इंट्रो जो हुआ स्टेप वन, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेप टू, ठीक है, उद्देश्य, जिसमें कि आप लोग को सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य करके लिख दीजिएगा। तीसरा जो है आप लोग इसमें लिखोगे टीचिंग मेथड और सहायक सामग्री, ये सब साथ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका स्टेप थ्री आएगा, ये आपका आ जाएगा स्टेप थ्री। अब इसके बाद सहायक सामग्री भी हो गया, पूर्व ज्ञान भी उसी में ले लीजिए, प्रीवियस नॉलेज। ये प्रस्तावना प्रश्न आपका जो आ जाएगा स्टेप फोर, ये भी उद्देश्य कथन भी उसी में आएगा। अब एक्सप्लेनेशन जो है आपका रहेगा स्टेप फाइव। अब एक्सप्लेनेशन तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसी से करें, फिर भी आप लोग के अपने ऊपर है। आप लोग के पास अगर इससे भी इजी फॉर्मेट है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा स्टेप फाइव, और इसमें एक्सप्लेनेशन और ख़त्म, बन गया आपका। पांच स्टेप में तो ख़त्म हो जाता है, और ये दिमाग में बैठा लेना है। ज़्यादा लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, छोटा छोटा में करना है, ठीक है। और वही टॉपिक उठाइए जो आपको अच्छे से आता है, जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। दैट मीन्स ये नहीं कि बहुत लंबा लेंदी कर सकते हो, मीन्स शॉर्टकट क्रंची वे में आप उसको कर सकते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये किया, लेसन प्लान आपको कैसे बनाना है। लेसन प्लान आपको 30 मार्क्स देकर जाएगा, दोनों मेथड पेपर में 15-15, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास 9th, 8th, 7th, जो भी आप टॉपिक डालना चाहते हैं डालिएगा, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइएगा। सो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही टॉपिक, और जहाँ पे आप फंस रहे होगे, जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, वो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।